हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे लहसुन के फ्लेवर के साथ मज़ेदार टेस्टी ड्राई कोफ्ते। सॉफ्ट ड्राई कोफ्ते बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ी कटी हुई प्याज को, और इस प्याज को गर्म हुए तेल में डाल लेके लगातार हलाते हुए ब्राउन कलर आए तक इसको फूल लेना है प्याज को, और इसको लो फ्लेम में ही फूल लेना है। देखिए ब्राउन कलर आ गया है प्याज, अब ये थोड़े थोड़ा वाइट होने को हम प्याज को साइड पे कर लेते हैं, ताकि प्याज निकालने के बाद भी हीट पे रहेगी और ब्राउन नहीं जाएगी ये साइड पे निकालने से भी। ये हमने सारी प्याज को काट लिया है, सारा ब्राउन कर लिया है हमने। अब कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते के लिए हमने 500 ग्राम्स मटन लिया है, और इसको छोटे छोटे पीस कर लिया है ताकि ब्लेंड करने में आसान लगे। आप चाहे तो खीमा भी ले सकते हो, और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके साथ हम फुटाने दाल को, दालचीनी को और लौंग को, इलायची को और काली मिर्ची को भी लिया है मसालों को, इनको भी मटन के साथ ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के लिए हमें जार में पहले भुनी हुई प्याज को डाल लेते हैं। इस तरह से मसाले पहले डालने से जल्दी ब्लेंड होंगे ये स्मूथ। उसके बाद हम डाल लेंगे इन मसालों को और फुटाने की दाल को। इसके बाद डाल लेते हैं हम इसके अंदर हरा धनिया पत्ते को और 2 हरी मिर्च को, और इस मटन के पीसों को भी डाल लेते हैं। इन सारों को थोड़ा भी पानी डाले नहीं सका, ब्लेंड कर लेना है। देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है, और वो ब्लेंड करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, और फुटाने पाउडर भी डाल सकते हो, अभी आसान बनेगा इसके अंदर फुटाने के बदल। अब इनको हम कर लिया है प्लेस्ट को, अब हम बोल में कर लेते हैं ताकि मसाले लगाने के लिए। हाँ इसके अंदर डाल लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और 1.5 चम्मच मसाला। मटन को मसाला ज़्यादा ही लगेगा, और फिर 1/2 चम्मच हल्दी डाल लिया है, और अदरक लहसुन धनिया का पेस्ट 2 टीस्पून डाल लेते हैं। अब लहसुन अदरक पेस्ट भी डाल सकते हो। इसको अच्छी तरह मिला लेना है मटन में सारों मसालों को। इसके अंदर वो फुटाने डालने से सॉफ्ट बनेंगे कोफ्ते, और मुंह में रखने से खुल जाएंगे, उतने सॉफ्ट रहेंगे कोफ्ते। देखिए हमने पूरा मसाला मिला लिया है। अब इसको नींबू के साइज़ के बॉल बना लेते हैं। इस तरह क्रैक कर नहीं सका, बना लेना है इस बॉल को। अब इसको तेल लगा के भी हथेली में बना ले सकते हैं, और चिकने बनेंगे कोफ्ते। देखिए हमने इतने सारे कोफ्ते बना लिया है, और इस तरह से चिकने क्रा करने इसका बना लिया है। अब इन सारों को हम फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमने प्याज भुनी हुई तेल में ही कोफ्ते में डाल के बना लेते हैं, ताकि प्याज का फ्लेवर रहता है तेल में और स्वादिष्ट रहेंगे कोफ्ते। कोफ्ते को तलते वक्त तो हाई फ्लेम में रखना है, और इसको लीड रखे बिना ही पका लेना है। लीड रखने से कोफ्ते में पानी छूटेगा और क्रैकर्स आएंगे, शेप बनते नहीं है राउंड शेप। देखिए थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटा लेते हैं। हमने ढाकन नहीं रखा है, ऐसे ही पका लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको फल डालते हुए हाई फ्लेम में पका लेना है।
तरह से हमने कोफ्ते को ब्राउन कलर कर लेते हैं। इनको हाई फ्लेम में ही पका रहे हैं हम। अब देखिए ब्राउन कलर पूरे हो गए हैं। अब इसके अंदर हम किसी ही जार में थोड़ा पानी डाल लेके आधा गिलास कोफ्ते में डाल के अच्छी तरह मिला लेके इसको अब लो फ्लेम में रखे ढक्कन लगा के पका लेंगे। ऐसा करने से कोफ्ते अच्छे पकेंगे अंदर तक। देखिए पानी थोड़ी देर के बाद पूरा पानी सूख गया है। और फिर से हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा पानी रहा है फिर से पका लेके अब इसे ही तेल में फिर से रोस्ट कर लेंगे। और इसी में ही हम फ्रे हुए कोफ्ते में आधा नींबू का रस डाल लिया है ताकि खटास के लिए। और उसके अंदर ही हम डाल लेते हैं बारीक कटी ही लहसुन को थोड़ी से अंडरस कलियों को। और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता भी काट डाल लेते हैं। और लहसुन इसी ही तेल में ही पिंकिश कलर आएंगे। और इसे गरम तेल में ही धनिया भी थोड़ा फ्लेवर लगेंगे, लहसुन का फ्लेवर आएगा। अब पूरी तरह ये पक गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करके लहसुन फ्लेवर वाले इस कोफ्ते को हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए स्वादिष्ट लहसुन के फ्लेवर वाले ड्राई कोफ्ते बने हैं। इसे साइड डिश के साथ, फुलके के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जिससे भी खाइए दुगना मज़ा हो जाएगा। और इस सॉफ्ट ड्राई कोफ्ते को रेसिपी को पसंद आने पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।